सो गाइस, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग देखने वाले एक 95,000 रुपीस का पीसी बिल्ड, जिसको कि ऑर्डर करा है हमारे दीपांशु सिंह भाई ने, एंड वो रहने वाले हैं फरीदाबाद के। 95,000 रुपीस का पीसी बिल्ड है, जिसके अंदर जब आप कंपोनेंट सुनोगे ना तो कहोगे वाह भाई, मजा ही आ गया। मतलब ग्राफिक्स कार्ड्स की जब से प्राइसिंग कम हुई है तब से इतने प्यारे पीसी बिल्ड बन पा रहे हैं ना 1,00,000 रुपए के अंदर, कि बस आपको क्या ही बताएं। तो शुरू करते हैं एंड बात करते हैं सभी कंपोनेंट्स के बारे में, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। सबसे पहले तो गाइस आप लोगों को बताया, तो अगर आपको भी ऐसे ही दीपांशु भाई की तरह अपना भी एक पीसी बिल्ड ऑर्डर करना हो हमसे किसी भी बजट के अंदर, अपनी रिक्वायरमेंट बता देना, तो आप हमको जो है कॉल कर सकते हो। हमारा नंबर है 7303986007। इस नंबर के ऊपर आप लोग व्हाट्सएप कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, सुबह के 10 बजे से लेकर के शाम के 6 बजे तक, फ्रॉम मंडे टू सैटरडे, ठीक है। बाकी हमारी जो वेबसाइट है उसको भी जाके जो है चेकआउट कर लेना, एंड इन सभी कंपोनेंट्स की जो लिंक है वो भी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रखी है, तो वेबसाइट को चेकआउट कर लेना। इन सभी कंपोनेंट्स को भी अगर देखना हो तो उन सब चीज़ों की भी लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रखी है। अब जल्दी से गाइस हम लोग आगे बढ़ते हैं एंड बात कर लेते हैं सभी कंपोनेंट्स के बारे में। तो चलिए गाइस शुरुआत करते हैं, बात करते हैं सबसे पहले यहाँ पर हमारे प्रोसेसर के बारे में। तो इसके अंदर हम लोगों ने यूज करा है एकदम लेटेस्ट एंड ग्रेटेस्ट इंटेल की तरफ से उनका i5-12400F प्रोसेसर, लेटेस्ट उनकी 12 जिन के अंदर आ जाता है, काफी बढ़िया। 6 कोर 12 थ्रेड यहाँ पर हमें देखने को मिल जाते हैं। गेमिंग, स्ट्रीमिंग, एडिटिंग, कुछ भी करना हो, तीनों ही वर्कलोड के अंदर बहुत बढ़िया तरीके से ये जो प्रोसेसर है हमारा साथ यहाँ पर निभा देता है। एंड जिस प्राइस पॉइंट के ऊपर आता है, मतलब एकदम किलर सीपीयू बोलूंगा मैं इसको, 15,500 रुपए के आसपास की इसकी प्राइस है, मतलब 15,500 में यार क्या जबरदस्त परफॉर्मेंस जो है ये निकाल करके यहां पर हमको दे देता है। एंड जैसे 1,00,000 रुपए के अंदर भी ये पीसी बना है, जैसे 95,000 में बता रहा हूं ना लगभग, इस पीसी की जो कॉस्टिंग है एग्जैक्ट बता तो 96,000 है, ठीक है। सोचो इस बजट में स्टॉक कूलर नहीं, अलग से AIU लिक्विड कूलर तक आ गया, मतलब कमाल चीज, ठीक है। तो इसके साथ में जो यहाँ पर लिक्विड कूलर यूज करा गया है वो करा गया सिल्वर स्टोन का PF240 लिक्विड कूलर, काफी अच्छा लिक्विड कूलर है, सिल्वर स्टोन की तरफ से आ जाता है, 240mm का है। एंड इसका जो आप यहाँ पर CPU ब्लॉक देखोगे ना, तो इसके अंदर यहाँ पर हमें सिल्वर स्टोन का लोगो देखने को मिल जाता है, जो कि अपने आप में ही काफी यूनिक सा लोगो लगता है देखने में, एंड काफी क्रिस्टल टाइप का वो डिजाइन है, मतलब वो जो आइस वाला जो डिजाइन होता है वो इसके अंदर हमें देखने को यहाँ पर मिल जाता है, ठीक है। अब गाइस बात करें यहाँ पर हमारे मदरबोर्ड के बारे में, तो देखो भाई इस प्रोसेसर को हम लोगों ने पेयर करा है काफी अच्छे मदरबोर्ड के साथ में, जो कि आता है गीगाबाइट की तरफ से उनका B660M DS3H DDR4 मदरबोर्ड। अब इसमें एक वाईफाई वाला वेरिएंट आता है, एक नॉन वाईफाई वाला आता है, तो ये नॉन वाईफाई वाला वेरिएंट है, ठीक है। एंड DDR4 लिखा है, तो यानी DDR4 रैम के सपोर्ट के साथ में यहाँ पर आता है, तो इसलिए जो हम लोगों ने यहाँ पर रैम यूज करी है वो करी है XPG की D50 की किट है, 8-8 GB की 2 sticks 3200 MHz के ऊपर क्लॉक है, काफी बढ़िया है। 16 GB डुअल चैनल के अंदर हम लोगों ने लगा रखी है, चाहे गेमिंग, स्ट्रीमिंग, एडिटिंग, कुछ भी करना हो, हर एक वर्कलोड के हिसाब से जो 16 GB रहती है वो एकदम परफेक्ट रहती है हर एक पीसी बिल्ड के अंदर। अब गाइस बात करें यहां पर हमारे ग्राफिक्स कार्ड के बारे में, तो यार मतलब अच्छे दिन वापस आ चुके हैं, 3060 आ गया। सोचो इस बजट के अंदर 96,000 रुपीस का पीसी बिल्ड और 3060 आ गया इसके अंदर, तो जो क्या आता है Zotac की तरफ से उनका ट्विन एज ओसी RTX 3060 एंड 5 साल की वारंटी के साथ में आता है, जो कि Zotac की मतलब एक काफी अच्छी हाईलाइटिंग पॉइंट है, काफी हाईलाइटिंग फीचर है इनका कि 5 साल वारंटी देते हैं अपने ग्राफिक्स कार्ड्स के अंदर, जो कि काफी कमाल बात हो जाती है। अब बात करें यहाँ पर गाइस हमारी स्टोरेज के बारे में, तो स्टोरेज के लिए यहाँ पर जो एक 256 GB की M.2 NVMe SSD का यूज़ करा गया इस पीसी के अंदर, एंड साथ ही साथ एक 1 TB की हार्ड ड्राइव का फॉर सम एक्स्ट्रा स्टोरेज। अब अच्छा एक चीज़ और बतानी भूल गया, जैसे यहाँ पर 12400F का कॉम्बो है 3060 के साथ में, तो बहुत लोग पूछते रहते हैं कि सारथा भाई एक ऐसा परफेक्ट सा कॉम्बो बता दो जो कि 1,00,000 के अंदर आ जाए, उसके साथ पीसी भी काफी अच्छा है, गुड लुकिंग सा पीसी बन जाए जैसे कि ये है, एंड मतलब कुछ भी वर्कलोड डाल रहा हो ना तो एकदम बढ़िया परफॉर्मेंस निकल करके आए, तो आप इस कॉम्बो के साथ में जाओ i5-12400F एंड RTX 3060, एकदम बेहतरीन परफॉर्मेंस यहां पर निकल करके आएगी। बात करेंगे यहाँ पर हमारी पावर सप्लाई के बारे में, तो पावर सप्लाई इसके अंदर यूज करी गई है कूलर मास्टर की तरफ से, उनकी मास्टर वॉट एलिट 550 550 वॉट की पावर सप्लाई है, इनफ है हमारे इस पूरे सिस्टम की पावर के हिसाब से, तो बड़े आराम से जो है ये पावर सप्लाई हमारा साथ जो है यहाँ पर निभा देगी। एंड कूलर मास्टर की तरफ से आती है तो क्वालिटी तो आपको पता ही होगी, काफ़ी अच्छी यहाँ पर हमें देखने को मिल जाती है इस पावर सप्लाई में। कैबिनेट के बारे में बात करें तो TD500 मैश कूलर मास्टर की तरफ से उसका यहाँ पर यूज़ करा गया, उसका ब्लैक वाले वेरिएंट का हम लोगों ने यहाँ पर यूज़ करा है। अब जो पूरा पीसी है ओवरऑल यहाँ पर पूरा ब्लैक कलर की थीम आप यहाँ पर देख सकते हो, एंड
मुझे तो पर्सनली यार लुक्स वाइज ये पीसी काफ़ी कमाल का लग रहा है। वैसे इसमें जो ये TD500 मेश होती है ना, इसमें सामने हमें तीन फ्रंट पे फैंस देखने को मिल जाते हैं इनटेक के लिए, जो कि ARGB फैंस है, मदरबोर्ड से यहाँ पर सिंक कर सकते हैं, जो कि हमने कर भी रखे हैं यहाँ पर। बाकी रियर में हमें ना कोई भी एग्जॉस्ट के लिए फैन नहीं मिलता है, तो जो हमारे भाई हैं वो बाद में इन फ्यूचर अगर उनको कोई एग्जॉस्ट के लिए यहाँ पर फैन ऐड करना होगा तो वो इसके अंदर जो यहाँ पर कर लेंगे। सो गाइस यही था यार ओवरऑल एक 95,000 रुपीज़ का पीसी बिल्ड। अगर आपको भी कोई ऐसी कमाल का पीसी बिल्ड करवाना हो किसी भी बजट के अंदर, प्राइसेज आपको एक नंबर यहां पर देखने को मिल जाते हैं, तो आप डेफिनेटली यार हमको कॉल कर सकते हो, हमारी वेबसाइट को चेकआउट कर सकते हो, डायरेक्टली जाके वेबसाइट से भी ऑर्डर कर सकते हो, या फिर हमको जो है कॉल करके भी अपना जो पीसी है उसको बुक कर सकते हो, ऑर्डर कर सकते हो। सो इन सभी चीज़ों की जो लिंक है वो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रखी है, ठीक है। बाकी गाइस मिलेंगे एक और नई वीडियो के अंदर एक और नए कमाल के पीसी बिल्ड के साथ में। तब तक के लिए यार थैंक्स फॉर वॉचिंग।